नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ध्रुव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का ज्ञानवापी इस वक्त लगातार सुर्खियों में है और अब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी पर एक बड़ा बयान आया है। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान ज्ञानवापी पर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। गलती मुस्लिम पक्ष की ओर से हुई है तो उसकी तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि इतिहास में गलती हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, जबकि दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि वो मस्जिद नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। तो आपने सुना किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया और बताया कि ज्ञानवापी का विवाद जो है वो मस्जिद कहने पर ही है, क्योंकि दीवारें चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं है और त्रिशूल किसी मस्जिद में क्या करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, जबकि मुस्लिमों से इतिहास में गलती हुई और इसीलिए इसे मस्जिद कहना गलत होगा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि हम लोगों ने वहां त्रिशूल तो नहीं रखा है, इस गलती पर मुस्लिम समाज की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए, इसे मस्जिद कहने पर विवाद होगा। सीएम योगी ने दावा किया कि मस्जिद के भीतर ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सरकार इस विवाद का समाधान चाहती है। आपको बता दें कि 3 अगस्त को ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को अब काफी अहम माना जा रहा है। आपको इसके अलावा जानकारी देते चलें कि जब जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दिया और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। इसी बीच अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मस्जिद कहने पर ही पूरा विवाद है, इसे मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए। सुनिए उन्होंने ज्ञानवापी पर बयान देते हुए अपने इंटरव्यू में और क्या कुछ कहा है, जिस पर इस वक्त अब राजनीति हो रही है। साथ ही आपको सीएम योगी के इस बयान पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव, यूपी का विधानसभा का चुनाव, यूपी का और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला, सबको कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीज़ें आँखों को खोलने वाली हैं। इस पर तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं, INDIA जो विपक्ष का बना है? इंडिया नहीं बोलना चाहिए, ये जो डॉट 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 ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी।